मुल्क की 26 रियासतों के किसानों की तंजीमों के कायदीन ने कहा कि वो अपने मुतालिका रियासती हुकूमतों से मुतालबा करेंगे कि वो उनकी रियासत में भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारिफ करदा ज़रई तरक्याती पॉलिसियों को नाफिज करें। मुल्क में ज़रई शोबे की सूरत हाल के अलावा तेलंगाना में ज़िरात और आबपाशी के शोबे की तरक्की का जायजा लेने के लिए 25 रियासतों के किसानों की तंजीमों के नुमाइंदों ने आज तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस तफसीली मुलाकात के दौरान रियासत में ज़रई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने उनको रियासत में शोबे ज़िरात और आबपाशी की तरक्की की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। इस मौके पर उन किसान लीडरों ने ज़िरात आबपाशी के शोबे और तेलंगाना की तरक्की पर एक दस्तावेजी फिल्म का भी मुशाहिदा किया और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत हुई किसान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वज़ीर आला ने उनके साथ दोपहर का खाना भी खाया। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, झारखंड और दीगर रियासतों के किसानों ने सिद्दीपेट जिले के मलाना सागर प्रोजेक्ट का मायना किया। रियासत के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के 3 रोजा दौरे के हिस्से के तौर पर उन किसानों ने तेलंगाना के ज़रई शोबे में लाई गई असलाहत का मायना किया। उन किसानों ने ज़िरात के शोबे और घरेलू मकासद के लिए पानी की सप्लाई के मकसद के साथ तामीर करदा कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सताइश की।